नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईटीआई मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राम अवतार जाट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। कितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं मान के आधार पर? मान के आधार पर प्रतिरोधों को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग? नंबर वन आता है लघु प्रतिरोध, नंबर टू आता है मध्यम प्रतिरोध, नंबर थर्ड आता है उच्च प्रतिरोध। लघु जो प्रतिरोध होता है, 1 ओम, 1 ओम या 1 ओम से कम का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन बोलते हैं लघु प्रतिरोध। 1 ओम या 1 ओम से कम के प्रतिरोध को, मध्यम जो प्रतिरोध होता है उसको अपन बोलते हैं 1 ओम से 100 किलो ओम प्रतिरोध, 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम। उच्च जो प्रतिरोध होता है वो होता है 100 किलो ओम से अधिक। दोस्तों, तीन प्रकार से बांटा गया है। लघु प्रतिरोध 1 ओम से कम, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मध्यम, और ऊंच है वो 100 किलो ओम से अधिक। अब इनको प्रतिरोधों को मापते कैसे? जो लघु प्रतिरोध होते हैं उनको अधिकतर मापने के लिए अपन वोल्ट एमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। वोल्ट एमीटर विधि का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कि इस रेजिस्टेंस का अपने को मान ज्ञात करना है तो उसको क्या करेंगे, अपन विद्युत धारा प्रदान करेंगे। यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे और इस पे एमीटर लगाएंगे। वोल्ट और एमीटर दो का मान यदि अपने पास आ जाता है तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। यदि मान लो 240 वोल्ट सप्लाई है और 2 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब प्रतिरोध का जो मान है वो अपना 120 ओम। लघु प्रतिरोध को अधिकतर मापने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। और एक वोल्टता पतन विधि भी आती है, इन विधियों के बारे में अपन आगे करेंगे। तीसरी आती है मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए दो, एक तो वोल्ट एमीटर विधि और दूसरी आती है वेटस्टोन सेतु विधि। नंबर चार आता है, सॉरी तीन आती है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध को अपन मोगर और ओम मीटर की सहायता से, अधिकतर इनका प्रतिरोध है वो अपन मापा जाता है। दोस्तों, ये तो आपने प्रतिरोध के प्रकार, उनको कौन कौन से तरीके विधि से अपन मापते हैं, इनके अधिकतर क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।